नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स। सो आफ्टर द T20 सीरीज, इंग्लैंड वुमेन एंड पाकिस्तान वुमेन मूव ऑन टू प्ले द ODI सीरीज, और ये प्रीव्यू है पहले ODI मैच का। तीन मैचेस खेले जाएंगे, पहला होगा 23 मई को, फिर होगा 26 मई को, और लास्ट ODI होगा 29 मई को। दोनों टीम्स की अगर बात करें तो पहली बारी ODI मैच खेलते हुए दिखेंगी आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ था, जहां पे इंग्लैंड जीती थी 9 विकेट से। अगर इंग्लैंड की लास्ट सीरीज की बात करें तो न्यूजीलैंड को हरा कर आ रही है 2-1 से, एंड पाकिस्तान लास्ट सीरीज अपनी हार कर आ रही है, घर में ही वाइट वॉश किया था वेस्ट इंडीज ने उन्हें। इस सीरीज में भी इंग्लैंड ही स्टार्ट ऑफ करेगी एज फेवरेट, सिमिलरली जैसे उन्होंने T20 में परफॉर्म किया, तीनों मैचेस जीते, एंड हम यहाँ पे भी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लैंड से। पाकिस्तान की बात करें तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए, क्योंकि ODI रैंकिंग्स में इंग्लैंड वैसे भी सेकंड पे है और उन्हें बीट करना होगा डिफिकल्ट फॉर श्योर। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ तो इंग्लैंड लीड कर रही है, 11 मैचेस इंग्लैंड जीती है, पाकिस्तान ने आज तक ODIs में इंग्लैंड को नहीं हराया है। चलते दोस्तों प्रॉबल 11 की तरफ, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखने चाहिए मैट बुशियर, टैमी ब्यूमॉन्ट, नैट स्किवर, हेदर नाइट इनकी कैप्टन, डैनी वाइट, एमी जोन्स, शार्लेट डीन, सोफी एकल्सटन, सैरा ग्लेन, केट क्रॉस और लॉरेन बेल। इसके अलावा एलिस कैप्सी और लॉरेन फाइलर भी रहेंगे स्क्वाड में। पाकिस्तान की बात करें तो गुलफिरोजा, सिद्रा अमीन, सदफ शमास, मुनीबा अली, निदादार, आलिया रियाज, फातिमा सना, रमीम शमीम या फिर नशरा संधू में से कोई एक खेलती हुई दिखनी चाहिए हमारे हिसाब से, डायना बेग, सादिया इकबाल और वहीदा अख्तर। इसके अलावा स्क्वाड्स में जो अवेलेबल है वो है तुबा हसन, उमेहानी, आयशा जफर, नतालिया परवेज और नजीहा अलवी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम होगा काउंटी ग्राउंड डर्बी में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इन स्कोर पिछले तीन गेम्स जो हुए हैं उसमें देखा गया 254 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट पिछले 12 में से 10 गेम्स जीती है इस वेन्यू पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टीम्स पहले बैटिंग ही करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की लास्ट तीन गेम्स में बात करें तो पेसर्स ने अराउंड 60% ओवर्स डाले हैं बट 52% विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने 40% ओवर्स डाले हैं बट 48% विकेट्स निकाली हैं यहाँ पे। रीसेंट फॉर्म की बात करें अब दोनों टीम्स की दोस्तों, उससे पहले महाबचत सेल इज लाइव ऑन व्यू स्पोर्ट, अप टू 70% ऑफ है व्यू स्पोर्ट के सारे सब्सक्रिप्शंस पर, तो इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा एंड इसे मिस करोगे तो डेफिनेटली पड़ेगा महंगा। जल्दी से व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लो एंड अपना मनपसंद जो भी आपको पैक पसंद है वो ले लो, क्योंकि बहुत ही क्रेजी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। एंड व्यू स्पोर्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को यूज करके डाउनलोड करो व्यू स्पोर्ट की ऐप, एंड आप हमारा रेफरल कोड YouTube24 भी यूज कर सकते हो। रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड की देखते हैं पहले, लास्ट 10 ODIs अगर मैं देखूं तो केवल 2 मैचेस हारी हैं, एक नो रिजल्ट में रहा था, 7 मैचेस अपने जीत कर आ रही हैं। एंड वहीं पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल उल्टा प्रदर्शन रहा है पाकिस्तान का, 2 मैचेस जीते हैं, तीसरा मैच जीते थे सुपर ओवर में, तो टोटल 3 मैचेस जीते हैं, इसके अलावा बाकी सारे मैचेस ये हारे हैं। तो फॉर्म फेवरेट यहाँ पे इंग्लैंड ही स्टार्ट करेगी। बात करते हैं रिकॉर्ड इन ODIs की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो इंग्लैंड बैटर्स में नैट स्किवर ने बनाए सबसे ज़्यादा रन, 434 रन बना चुकी हैं 72 की एवरेज से, 3 सेंचुरीज हैं इनके नाम सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। हेदर नाइट ने 256 रन बनाए 43 की एवरेज से 7 इनिंग्स में, एमी जोन्स बना चुकी हैं 41 की एवरेज से 244 रन, टैमी ब्यूमॉन्ट ने बनाया 229 रन 29 की एवरेज से 8 इनिंग्स में। माया ब्यूशर की बात करें तो 46 की एवरेज से ये भी 182 रन बना चुकी हैं केवल 5 इनिंग्स में। इंग्लैंड के बॉलर्स में चार्लेट डीन ने निकाले सबसे ज़्यादा विकेट्स, 13 विकेट्स निकाले 6 इनिंग्स में, लॉरेन बेल 11 निकाल चुकी हैं, केट क्रॉस ने 9 विकेट्स निकाले हैं, वहीं सोफी एकल्सन, लॉरेन फाइलर ने 8-8 विकेट्स निकाले हैं इंक्लूडिंग नैट स्किवर। पाकिस्तान के बैटर्स में सिद्रा अमीन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 32 की एवरेज से 453 रन बना चुकी हैं, एक सेंचुरी लगाई है, 3 बारी हाफ सेंचुरी। आलिया रियाज ने 294 रन बनाए 25 की एवरेज से 14 इनिंग्स में, फातिमा सना 32 की एवरेज से 285 रन बना चुकी हैं 10 इनिंग्स में, और निदादार की बात करें तो 241 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में नशरा संधू हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 16 विकेट्स निकाली हैं 12 इनिंग्स में, निदादार ने 15 विकेट्स निकाली हैं 13 इनिंग्स में, सादे इकबाल 14 विकेट्स निकाल चुकी है, एंड इसके अलावा उमेहानी ने 11 विकेट्स निकाली हैं 10 इनिंग्स में। फातिमा सना की बात करूं तो 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं 10 इनिंग्स में ये। तो ये होगी रिकॉर्ड्स की बात दोस्तों ODIs में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। अब हम बनाएंगे सीधा अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे होता है लोवेस्ट कमीशन, यानी कि अगर आप एंट्री फी देखोगे फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी लो होती है। अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में देखो, स्मॉल लीग्स में देखो, सब में सेम ही आपको दिखेगा। तो अगर फैंटेसी अखाड़ा पर जीते हो तो लोएस्ट कमीशन आपको मिलेगा, तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना, पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है, वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर,
खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीधा बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे पहली पिक हमारी रहेगी टैमी ब्यूमॉन्ट, जो कि इंग्लैंड के लिए ओपन करते हुए दिखेंगी ओडीआईज में। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर हैं, हेड टू हेड गेम्स में भी 486 रन बना चुकी हैं, 81 का रहा है एवरेज केवल 7 इनिंग्स में। इसके अलावा पिछले 3 आउटिंग्स इस वेन्यू पे जो खेले हैं उसमें भी 59 की एवरेज से 176 रन बनाए हैं, एंड जाहिर सी बात है मैचअप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 50 की एवरेज से 151 रन बना चुकी हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट होंगी हेदर नाइट, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए ओडीआईज में। लास्ट ओडीआई अपीयरेंस जो इस वेन्यू पे उन्होंने किया था उसमें सेंचुरी मारकर आ रही हैं, एंड लिस्टेड आउटिंग्स की बात करें इस साल तो 142 रन वहां भी बनाए हैं 36 की एवरेज से। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 257 रन बना चुकी हैं 85.7 की एवरेज से, एंड बात करें इनके मैचअप्स की तो केवल एक बारी आउट हुई है ओडीआईज में पाकिस्तान बॉलर्स के द्वारा, जिसमें नशा संधू ने इन्हें आउट किया था। ऑलराउंडर सेक्शन में जो सेफेस्ट पिक्स हमारी रहेंगी वो है पहली निदा दार, पाकिस्तान के लिए नंबर 4 पे आएंगी, इन ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती हैं। पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर थी T20I सीरीज में जो अभी हाल ही में हुई, 5 विकेट्स उसमें निकाल कर आ रही हैं। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है, पिछले सीरीज में भी जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली थी 6 विकेट्स वहां भी निकाली थी। बट एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हेड टू हेड गेम्स में परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक इनका रहा है, 9 इनिंग्स में 70 रन ही बनाए हैं और 5 विकेट्स ही निकाल पाई हैं, एंड जाहिर सी बात है इसलिए मैचअप्स में भी इंग्लैंड के टॉप 6 के अगेंस्ट अभी तक 3 विकेट्स ही निकाली हैं, जिसमें से 2 बारी डैनी वाइट को इन्होंने आउट किया था। तो मैचअप्स इनके फेवर में नहीं है हेड टू हेड रिकॉर्ड भी, बट रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एंड पाकिस्तान की साइड से निदादार हमेशा एक सेफ चॉइस रहती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंग्लैंड के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो यहाँ पे आप देखोगे एमी जोन्स 5 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई हैं, एलिस कैप्सी 1 इनिंग्स में से 1 बारी, एंड डैनी वाइट 2 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। अगले होंगी फातिमा सना, पाकिस्तान की नंबर 7 पे आएंगी, राइट नाउ मीडियम पेसर भी हैं। दिस इज अर ओनली सेकेंड हेड टू हेड आउटिंग, पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर रही थी लास्ट अवे टूर में जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही हुआ था लास्ट ईयर, 3 इनिंग्स में 137 रन बनाए थे, 3 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। इसके अलावा हमने देखा है कि अपनी ओडीआई बैटिंग को अलग लेवल पे लेकर जा चुकी हैं, 250 रन बना चुकी हैं पिछले 7 ओडीआईज में 42 की एवरेज से। इसके अलावा पिछले 8 ओडीआईज में बॉलिंग से भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, 9 विकेट्स वहां भी निकाली हैं, तो दोनों बैटिंग बॉलिंग से ये अपना योगदान देते हुए आपको दिखेंगे। अगली सेफेस पिक होंगी नेट्स के वर, जो कि नंबर 3 पे यहां पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। T20s में हमने देखा बॉलिंग नहीं करी है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओडीआईज में शायद बॉलिंग करते हुए भी दिखें। बैटिंग से तो पिछले 14 ओडीआईज में अनस्टॉपेबल रही हैं, 880 रन बना चुकी हैं 80 की एवरेज से। ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है, हेड टू हेड गेम्स में भी 7 इनिंग्स में 400 रन बनाए हैं ऑलमोस्ट, अगेन 80 की एवरेज से 8 विकेट्स भी निकाली हैं। पिछले 3 आउटिंग्स की इस वेन्यू पे बात करें तो 64.7 की एवरेज से 194 रन बना चुकी हैं, एंड पाकिस्तान बॉलर्स ने तो अभी तक इन्हें एक बार भी आउट नहीं किया है ओडीआईज में। सेफेस्ट आंख बंद करके जो आपकी कैप्टनसी पिक रहेंगी वो रह सकती हैं नेट्स के। नेक्स्ट पिक हम लेके जाएंगे चार्ली डीन को, गुड ऑलराउंड कैंपेन रहा था पिछले सीरीज में इनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहाँ 3 इनिंग्स में 81 रन इन्होंने बनाए थे, 4 विकेट्स भी निकाली थी, एंड इस वेन्यू पे एक ही ओडीआई मैच खेली है जहाँ पे 3 for इन्होंने निकाला था। पिछले 15 ओडीआईज की बात करें तो केवल एक मैच में विकेट लेस गई हैं, 14 में विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, एंड एक्सेप्शनल स्टार्ट रहा है इनका ओडीआई करियर का, 28 इनिंग्स में 52 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है केवल 25 का। एंड पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो आप यहाँ देखोगे फातिमा सना, निदादार, मुनीबा अली तीनों ही 2-2 बारी आउट हो चुकी हैं, एंड सदफ शमाज भी 1 इनिंग्स में 1 बारी आउट हुई है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक रहेगी केट क्रॉस, इंग्लैंड की राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, 6 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में ही, एंड इस साल लिस्टे आउटिंग्स की बात करें तो 8 आउटिंग्स में 12 विकेट्स वहां भी निकाली हैं। पिछले 5 हेड टू हेड आउटिंग्स में केवल एक मैच में रही हैं विकेट लेस, एंड इसके अलावा एक यूजफुल बैटर की तरह भी रहती है लोअर डाउन दी ऑर्डर, 103 रन बना चुकी हैं पिछले 7 ओडीआईज में 26 की एवरेज से। तो बैटिंग से भी आपको ये थोड़े बहुत फैंटेसी पॉइंट्स डेफिनेटली दिला के जा सकती हैं। अगली होंगी सोफी एकलस्टन, इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में ये भी 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं, पिछले 8 ओडीआईज में तो एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं, हर एक मैच में विकेट तो आपको सोफी एकलस्टन निकाल के देती हैं। इसके अलावा पिछले 12 लिस्टे आउटिंग्स की बात करें तो वहां पे भी इन्होंने हर एक मैच में विकेट निकाली है, ओवरऑल 22 विकेट्स निकाली हैं वहां पे। वेन्यू की बात करें तो 2 आउटिंग्स में 3 विकेट्स वहां भी निकाल चुकी हैं, एंड इनके मैचअप्स काफ़ी अच्छे हैं, 4 विकेट्स निकाली हैं इन्होंने एक्सपेक्टेड पाकिस्तान 11 के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो आप देखोगे फातिमा सना 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है, नजीहा अलवा और निदादार दोनों ही 2-2 बारी आउट हो चुकी हैं।
लास्ट पिक जो बेस टीम में रहेगी वो रहेगी सैरा ग्लेन, जो कि है लेग ब्रेक बॉलर इंग्लैंड की। लास्ट ओडीआई सीरीज में 5 विकेट निकाल कर आ रही हैं ये, हेड टू हेड गेम में भी एक्सेप्शनल रही हैं, 3 बार ही खेली हैं बट 8 विकेट्स वहाँ निकाली हैं इन्होंने। लीडिंग विकेट टेकर थी अभी T20 इंटरनेशनल सीरीज में, 6 विकेट्स वहाँ इन्होंने निकाली। एंड इसके अलावा पिछले 6 ODIs की बात करें तो 6 के 6 में ये भी अमंग द विकेट रही हैं। पाकिस्तान के बैटर्स जो लेग ब्रेक बॉलिंग पे स्ट्रगल करते हैं, तो आलिया रियाज 8 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुई हैं, मुनीबा अली भी 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये बन चुकी है हमारी 9 मेंबर की बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल किसी को नहीं रखा है। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे टैमी ब्यूमॉट और हेदर नाइट को। ऑलराउंडर सेक्शन में होगी निदादार, फातिमा सना, नाइट स्किवर, चार्ली डीन। और बॉलिंग सेक्शन में केट क्रॉस, सोफी एकल्सटन को लेके जाएंगे अलॉन्ग विद सारा। जो बाकी हमारे स्लॉट्स बचे हैं और प्लेयर्स बचे हैं उन्हें फिट करने की कोशिश करेंगे सिनेरियो वाइज। तो सिनेरियो वाइज जाने से पहले आपको बता दूं कि एक और गिव अवे व्यू स्पोर्ट पे हमेशा चलता है, जो कि अगर आप लिंक यूज करके डाउनलोड करोगे हमारी ऐप तो आप मंथली गिव अवे फ्री में भी पा सकते हो। नीचे जो लिंक दिया है यानी कि डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में या रेफरल कोड YouTube24 यूज करोगे तो हम रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। यानी कि अगले 30 दिन तक आप जितने भी मैचेस हो रहे हैं क्रिकेट और फुटबॉल में सबका फैंटेसी 11 देख सकते हो स्ट्रेस फ्री बिल्कुल। कल के जो विनर्स है वो भी है आपकी स्क्रीन पे, तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लो व्यू स्पोर्ट की ऐप लिंक यूज करके, हो सकता है आप भी हो जाओ वन ऑफ द लकी गिव अवे विनर्स। पहला सिनेरियो लेके चलेंगे जहाँ पे इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही होगी, तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे इंग्लैंड के विकेट कीपर को, जो कि होंगी एमी जोन्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज लेकर आ रही है T20 वाली सीरीज में ऑलराउंड ब्रिलियंस के लिए, 3 इनिंग्स में उन्होंने 78 रन्स तो बनाया प्लस 5 कैचेस भी इन्होंने ली। लास्ट ओडीआई सीरीज जो हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसमें भी प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस लेकर आ रही है, 190 रन्स बनाए थे 95 की एवरेज से। इस वेन्यू पे 2 बारी खेली है, 60 रन्स बनाए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन बैटिंग सेक्शन सेम रखेंगे, बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे सादिया इकबाल को, जो कि है पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर। 14 विकेट निकाली हैं 11 ODIs में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर इन्होंने, एंड पिछले 9 ODIs की बात करें तो मल्टीपल विकेट्स निकाल कर आ रही हैं 5 ODIs में एटलीस्ट। इनके अलावा अगर बात करें इनके T20I सीरीज की तो उसमें 3 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। तो ये बनेगी हमारी टीम जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स, बैटिंग में ब्यूमॉन्ट, हेदर नाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में निदादार, फातिमा सना, नाइट स्किवर, चार्ली डीन, बॉलिंग में केट क्रॉस, सोफी एकल्सटन, सैरा ग्लेन, सादिया इकबाल, 8-3 कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। दूसरी अगर सिनेरियो की बात करूं जहां इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है, तो यहां पे आप विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर मुनीबा अली को। ये पहला पाकिस्तान का ODI मैच होगा जिसमें बिस्मा मरूफ खेलती भी नहीं दिखेंगी, एंड उनकी एब्सेंस में मुनीबा अली शुड स्टेप इन एट नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए, एंड होप करेंगे कि उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाएंगी। ये पाकिस्तान के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी अपनी पिछली सीरीज में जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुआ था, 62 रन इन्होंने बनाए थे, एंड पिछले 18 ODIs में 418 रन बनाकर आ रही है 25 की एवरेज। अगेन बैटिंग सेक्शन ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे, बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे लॉरेन बेल को। तो ऑल आउट हम इंग्लैंड बॉलर्स के साथ जाएंगे जब वो पहले बॉलिंग कर रहे होंगे। तो लॉरेन बेल की अगर मैं बात करूं तो हर एक पिछले 8 ODIs में विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, पिछले 6 ODIs में तो 15 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, एवरेज है केवल 20 का। इसके अलावा मोस्ट सक्सेसफुल पेस बॉलर रही थी T20 सीरीज में, 5 विकेट्स वहाँ इन्होंने निकाली थी। तो ये बन जाएगी हमारी टीम जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मुनीबा अली, बैटिंग सेक्शन में टैमी ब्यूमॉन्ट, हेदर नाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में निदादार, फातिमा सना, नैट स्किवर, चार्ली डीन, और बॉलिंग सेक्शन में रहेगी केट क्रॉस, सोफी एकल्सटन, सैरा ग्लेन और लॉरेन बेल। फाइनल जो आपको फैंटेसी 11 मिलेगी वो आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो फिर से याद दिला रही हूँ डाउनलोड करना मत भूलना। एंड साथ में महाबचत सेल भी चल रही है, सब कुछ अप टू 70% ऑफ पर मिलेगा वहाँ पे इस वक्त आपको। कैप्टनसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों, तो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स यहाँ पे रहेंगी नैट स्किवर, सोफी एकल्सटन, एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में आप जा सकते हो बाकी दोनों बॉलर्स के साथ इंग्लैंड के, चार्ली डीन के साथ और सैरा ग्लेन के साथ, क्योंकि हमने वेन्यू एनालिसिस में भी देखा था स्पिनर्स को थोड़ी सी ज़्यादा असिस्टेंस मिल रही है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में आप दोनों स्पिनर्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू, आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ, बाकी सारी सीरीज के प्रीव्यूज भी मिल जाएंगे। यूएसए बांग्लादेश भी कवर हो रहा है, उसके प्रीव्यूज भी ऐप पर मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ नेदरलैंड्स ट्राई सीरीज के सारे प्रीव्यूज मिलेंगे, एंड IPL के तो प्रीव्यूज मिल ही रहे हैं। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका भी स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रीव्यू भी अवेलेबल रहेगा। तो जल्दी से व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लेना, मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।